नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल 8.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 8.1, 8.2, 8.3 के सारे क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो आज आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 हैं, तो 6 में से एक यहां इस टर्म में जो है कन्वर्ट करना है, तो बाकी जो 5 बचे हैं उनको जो है सेक ए के जो है टर्म में लिखना है। क्वेश्चन यहां हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन ए को जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, सेक ए में। अब यहां से आप ये एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर ए का मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये वैल्यू सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो साइन ए बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। कहने का मतलब यहां पे साइन ए बराबर कितना रखा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से ये मैंने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने लगाया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 से। अब यहां से ध्यान रखिए, कॉस ए को जो है सेक ए में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए यहां से एक फार्मूला और आप जानते हैं, कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए। ये वैल्यू यहां पे पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपान सेक ए का होल स्क्वायर। यहां से क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये बन गया 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब इसको जो है यहां से घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो आप देखेंगे सेक स्क्वायर ए का रूट निकल जाएगा, बाकी ये इतना अंडर रूट में बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे का बटे सेक ए। तो आप यहां पे देख रहे हैं साइन ए की वैल्यू जो है किसमें कन्वर्ट हो गई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में अपान पूरे का कितना हो जाएगा, सेक ए। अब सेकंड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से देखिए कि अब कन्वर्ट करना है कॉस ए को जो है सेक ए के टर्म में, तो आप यहां पे देख चुके हैं कि ये फार्मूला आपको जो है पहले ही प्रूव करके बताया जा चुका है कि कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से कॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपान सेक ए। तो आपने यहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के जो है टर्म में आपने लिख दिया। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कौन सा है, साइन ए कॉस ए
कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है कौन सा, टैन ए। टैन ए को जो है कैसे सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है सेक ए के टर्म में। दोस्तों ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो है क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप जितने भी फार्मूले हैं वो जो है प्रूव करते हुए उसको जो है कंठस्थ कर लीजिए। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, तभी आप जो है प्रश्नों को जो है आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए यहां से देखते हैं, एक समीकरण आपने पढ़ा है कौन सा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटीज ये है, इससे आप क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर या यहीं पे इसी को प्रयोग कर लीजिए, लास्ट में टेन ए सेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां से इसके बाद क्या होगा कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहां से इसके बाद क्या मिल जाएगा, जब यहां से टेन ए बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो आपने यहां से देखा कि टेन ए की वैल्यू भी जो है किस टर्म में हो गई, सेक स्क्वायर ए माइनस वन के जो है टर्म में हो गई, इसका मतलब सेक ए के टर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन ए के बाद जो है कौन सी वैल्यू, एक देख लेते हैं कॉट ए। कॉट ए को जो है कैसे बदला जाएगा, आप यहां से कॉट ए बराबर क्या जानते हैं, वन अपान टेन ए। इसका मतलब टेन ए की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं इससे पहले कि टेन ए बराबर, अभी आपने क्या निकाला है इससे पहले, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये वैल्यू आ गई कॉट ए की। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बच रहा है, कौन सा, कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू वन अपान साइन ए। अभी आपने जो है साइन ए का वैल्यू जो है किससे निकाला था कि साइन ए बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से इसके बाद आपने ये निकाला है कि साइन ए का मान सेक स्क्वायर ए माइनस वन पूरे का बटे सेक ए। ये वैल्यू हम पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अभी इससे पहले हल कर चुके हैं, तो यही मान जो है यहां पुट कर दीजिए तो एक बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन पूरे का बटा सेक ए। तो क्या हो जाएगा, से के ऊपर हो जाएगा से के अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो आपने देखा कोसेक ए की वैल्यू सेक में कितना कन्वर्ट हो गई, से के अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे बिना कोचिंग किए हुए बिना कहीं पढ़े आप हमारे चैनल से जुड़ करके ट्रिग्नोमेट्री को जो है आसानी से जो है आप सीख लीजिए। आइए थर्ड क्वेश्चन पे जो है आप डिस्कस करते हैं, इवैल्यूएट मान निकालिए किसका, साइन स्क्वायर
63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहां पे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा आइडेंटिटीज प्रयोग होगा? आइडेंटिटीज प्रयोग होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी इसमें प्रयोग होगा। तो और एक चीज देखिए कि यहां पे जो 63 दिया गया है एंगल प्लस 27 दिया है, इसका सम कितना बनेगा? 90 डिग्री। और यहां कितना बनेगा? 17 प्लस 73 इज इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब अगर हम 63 निकाले तो ये 90 डिग्री माइनस 27 होगा, अगर 27 डिग्री निकालें तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री होगा। और ऐसे ही सेम तरीके से इसका अगर हम निकालें तो 17 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अगर 73 डिग्री निकालें तो 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री आएगा। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को जो है कई मेथड से हल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि एक ही क्वेश्चन को हल करने का अलग अलग जो है तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी तरीका गलत नहीं माना जाता है। तो आइए यहां पे आप देखिए कि 63 है और यहां 27 है, दोनों एंगल में से कोई एक एंगल का जो है चुनाव कीजिए जिसको आप बदल दीजिए 90 माइनस करके। और यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है फार्मूला कन्वर्ट करना है, इसमें भी चाहे 70 डिग्री आप कन्वर्ट कीजिए चाहे 73। और ध्यान रखना है कि हमेशा एक ही वैल्यू को जो है चेंज करना है, ऊपर भी एक वैल्यू को चेंज कीजिए तो अगले को छोड़ दीजिए, और नीचे भी अगर इसको चेंज करता है तो इसको मत चेंज कीजिए, अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको जो है फिर मत चेंज कीजिए। एक वैल्यू को जो है यहां पर चेंज किया जाए कि हम फर्स्ट डिग्री को ही चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कितना हो जाएगा, यहां भी कास 17 को चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस कितना आ जाएगा 73 और प्लस कितना हो जाएगा कास स्क्वायर 73 डिग्री। इसको थोड़ी देर के लिए हम स्क्वायर में लिख दे रहे हैं जिससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आ जाए। 90 माइनस इसको होल स्क्वायर कहते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कितना हो जाएगा, इसको भी उसी तरीके से लिख दीजिए कास 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मानिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। इसका मतलब यहां कितना आ गया? कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री पूरे का बटे, ये कितना हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहां से इसको फिर तोड़ दीजिए तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप सर्वसम्मति का कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसका मान कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा अपान साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1, तो 1 अपान 1 कितना बनेगा? 1। ध्यान रखिए इसको हल करने का एक तरीका और है कि आप कैसे हल करेंगे।
63 को यहां रहने दीजिए, 27 को आप चेंज कर लीजिए, 27 को अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 63 बन जाएगा। तब यहां क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, होना उसको 1 ही है। तो आप एक अगले तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट जो है जरूर कीजिए। तो आइए अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का जो है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। दिया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इनटू साइन 65 डिग्री। इसको भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसमें भी यही आइडेंटिटी प्रयोग होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। अब यहां भी देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक 25 डिग्री है और प्लस 65 डिग्री है, तो यहां ये कितना बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब 25 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 65 और 65 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो आपको जो है ये क्वेश्चन भी हल करने का दो तरीका है और दोनों तरीका हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो यहां से एक एंगल को अगर आप 25 को चेंज कर रहे हैं तो दोनों जगह 25 को जो है चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले यहां पे 25 चेंज कर रहे हैं, यहां भी 25, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 65, 25 बराबर और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, ये कितना बन जाएगा आप। अब यहां से साइन 90 माइनस थीटा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 इंटू साइन 65, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अप्लाई कीजिए ये आइडेंटिटी, क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड टाइप जो हल करेंगे उसमें 65 को चेंज कर दीजिए। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड की चर्चा कर लेते हैं, किसको चेंज करना है 65 को। तो रखिए साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आएगा, यहां साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा साइन 25 डिग्री और प्लस यहां कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25 डिग्री, कितना हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1। तो दो मेथड है, चाहे आप जिस मेथड से भी इसको हल करेंगे आपका क्वेश्चन उत्तर आंसर वही आएगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन में कई हैं 1, 2, 3, 4 करके, तो उसका जो है डिस्कशन हम करेंगे धीरे धीरे करके, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख जाइए। दोस्तों यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।